इंडिया पर चंडीगढ़ में आज सरकार और किसानों के बीच तीसरे दौर की वार्ता होगी। इस वार्ता में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय शामिल होंगे। बैठक आज शाम 5 बजे होनी है, जिसमें किसानों की मांगों पर चर्चा की जाएगी और ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में 15 से 20 किसान नेता शामिल हो सकते हैं और पंजाब सरकार से भी कोई मंत्री इस बैठक में शामिल हो सकता है। पिछली बार हुई बैठक में 17 किसान नेता शामिल हुए थे, लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही थी। अब ये एक तरह से तीसरे दौर की बैठक है, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री, जिसमें कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा रहेंगे, उसके अलावा 2 मंत्री और रहेंगे, यानी 3 मंत्रियों के साथ ये बैठक होगी और अलग अलग किसान संगठनों की तरफ से इस बैठक का प्रस्ताव रखा गया। शाम 5 बजे यहां जो ये मीटिंग होगी चंडीगढ़ में, और कहा यह भी जा रहा है कि एक तरह से जो डेडलॉक है वो टूटे, कहीं ना कहीं सहमति बने। एक ऐसा मुद्दा एमएसपी, जिसको लेकर किसान अभी भी अड़े हुए हैं और दिल्ली कूच का आंदोलन उन्होंने किया था, 2 दिन से जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला, खासतौर पर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर, और अब कोई ना कोई नतीजा निकले, क्योंकि सरकार हमेशा से ये कहती आई है कि हम चाहते हैं कि बातचीत के रास्ते ही समाधान निकलेगा, लेकिन किसान लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं कि एमएसपी को लेकर, एमएसपी गारंटी को लेकर कानून बने। सरकार और किसानों के बीच आज होने वाली बैठक बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि पिछली बार हुई इस बैठक में सरकार और किसानों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई थी, यानी यह बैठक बेनतीजा रही थी। इसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया था, किसानों ने सरकार पर मांगे न मानने का आरोप लगाया था, लेकिन एक बार फिर से वार्ता का प्रस्ताव आने के बाद सरकार ने किसानों से बातचीत के लिए एक तरह से सहमति जता दी, यानी बातचीत के लिए हमेशा से सरकार तैयार रही है। और इस बार भी जब यह प्रस्ताव आया किसानों की तरफ से तो सरकार तैयार है। आज होने वाली बैठक में भी सरकार और किसान संगठनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा होगी और विशेष रूप से एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा भी छाया रहेगा। तो ये बैठक आज इस पर सबकी नजर रहेगी। इससे पहले 2 और बैठकें हुई हैं, लेकिन ये बैठक जो है काफी अहम मानी जा रही है। तो आपको बता दें, आज किसान संगठन, अलग अलग किसान संगठन और सरकार के बीच बातचीत होने वाली है और इस बातचीत पर अब सबकी नजर रहने वाली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मानव इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे शंभू बॉर्डर से। मानव, हम आपके पीछे देख रहे हैं, आज कम से कम अभी बहुत सुबह इसलिए शांति छाई हुई है, और आज जो बैठक होनी है जिसमें 15 किसान संगठन शामिल होने वाले हैं और ये प्रस्ताव भी किसानों की तरफ से आया है, सरकार की तरफ से भी 3-3 मंत्री शामिल होने वाले हैं इस बैठक। बिल्कुल, देखिए थोड़ी शांति जरूर है, क्योंकि उसके पीछे युगल तस्वीरें दिखाती रहेगा उस काफिले की, किसानों के काफिले की। वजह यह भी है कि देखिए, अनुराग ठाकुर ने परसों एक बयान दिया था, उस बयान के बाद कहीं ना कहीं एक बातचीत का रास्ता खुला, और ये बात खुद किसान नेता जगदीश सिंह डलेवाल कल कहते दिखाई दिए कि देखिए, सरकार ने अगर पहल की है तो हम भी सरकार से बातचीत करेंगे और बातचीत के जरिए ही कोई रास्ता निकलकर सामने आएगा। पहले दिन हमने देखा था कि किसान काफी आक्रामक हुए थे, हरियाणा पुलिस भी आक्रामक हुई थी, लेकिन कल हमने ये देखा, एक रवैया ये भी था किसानों का कि किसान नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा था कि आपको आक्रामक नहीं होना है और जोश में आपको होश नहीं खोना है। युवाओं को खासतौर से इस तरीके से संदेश दिया जा रहा था। तो अब ये कहा गया है कि आज यहीं पर डेरा डाल के किसान बैठेंगे और बैठक के बाद ही रणनीति तय होगी कि दिल्ली की तरफ जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि कल देर रात हमारी बातचीत हुई थी जगदीश सिंह डलेवाल किसान नेता से, और उन्होंने ये कहा था कि हमको बहुत उम्मीद है, क्योंकि किसान सरकार ने पहल की है तो हमारी भी कोशिश ये है कि हम सरकार के सामने जाएं, अपनी बातों को रखें। और एक बात उन्होंने साफ ये भी कहा कि जो पत्र मांगों का हमने शुरुआत में भेजा है, हमारी वही मांगे हैं, हमने कोई नई मांग उसमें एड ऑन नहीं किया, नई मांग जोड़ी नहीं है। दूसरी तरफ कल यहां पर शंभू बॉर्डर पर एक किसान नेताओं की संगठनों की बैठक हुई थी, उसमें यह निर्णय भी लिया गया था कि सरकार बातचीत करना चाहती है तो हम बातचीत करने क्यों नहीं जाए। उसके बाद बकायदा शाम को, यानी मानवाद समझा जाए, जो आपके पीछे अभी शांति नजर आ रही है, हालांकि अभी बहुत सुबह है, लेकिन आज किसी तरह का संघर्ष, किसी तरह का टकराव यहां नहीं होने वाला, 5 बजे का इंतजार रहेगा, यहां पर भी लीडरशिप रहती है मौजूद, तो यह मैसेजिंग हो जाती है कि आज शाम को 5 बजे देखते हैं सरकार और किसान संगठनों के बीच में किस तरह की सहमति बनती है।
बिल्कुल पंकज, देखिए सहमति बनती है इसको लेकर भी यहाँ पर संगठन तमाम आपस में बातचीत करते हैं और मैसेजिंग दी जाती है। बकायदा यहाँ पर स्पीकर साउंड सिस्टम लगाया गया है और बड़ी बात यह है कि तकरार नहीं करनी है, ये लगातार संदेश यहाँ से दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए किसान नेता का जोर इस बात पर भी है कि आंदोलन बदनाम ना हो, क्योंकि जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी हैं उसको लेकर भी किसान नेता थोड़ा चिंतित हैं कि अगर इस तरीके से तस्वीरें जाएंगी तो कहीं ना कहीं आंदोलन भटक सकता है। तो उसको लेकर किसान नेता अपने संबोधन में बातचीत कहते हैं, लेकिन उनका यह भी कहना है कि आपके बीच अगर कोई इस प्रदर्शन को उग्र करने की कोशिश करता है तो उसे आप हमारे मंच तक लेकर आइए। दूसरी बात यह भी है कि कल हमने देखा कि पूरे दिन यहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, मंगलवार के दिन उतना ज्यादा स्थिति खराब नहीं थी लगातार, क्योंकि पहला दिन था तो तस्वीरें थोड़ा एक तरीके से परेशान करने वाली थी, लेकिन कल दोपहर 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक लगातार आंसू गैस। बिल्कुल, और इस बात पर हमेशा किसान संगठनों का भी यह कहना होता है कि किसी तरह के कोई असामाजिक तत्व इस आंदोलन का हिस्सा ना बने, उसका ख्याल रखें और शांति बनाए रखें। यह सरकार के अलावा यानी किसान संगठन जो उनकी तरफ से भी कहा जाता है। चंडीगढ़ में किसान और सरकार के बीच होने वाली तीसरे दौर की वार्ता पर अब सबकी निगाहें, सबकी नजरें टिकी हुई हैं। किसान नेताओं का यह कहना है कि वो बैठक के बाद दिल्ली कूच करने पर फैसला लेंगे, यानी 5 बजे के बाद ही वो कोई फैसला लेंगे। ये वर्बली मीटिंग थी पंजाब के अधिकारियों से, वो मध्यस्थता कर रहे हैं केंद्र के साथ वार्ता के लिए, तो पंजाब के एडीजीपी इंटेलिजेंस से और भी अधिकारी थे। मीटिंग चंडीगढ़ में केंद्र के 3 मंत्री जो पहले भी आ चुके वही मंत्रियों से हमारी वार्ता शुरू होगी। पीयूष गोयल जी हैं और हमारे खेतीबाड़ी मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं, अनित्यानंद रॉय जी हैं। एजेंडा हमारा वही होगा जो 10 सूत्री हमने मांग पत्र दिया है। ये कोई नया मुद्दा तो उसमें जुड़ने वाला नहीं है, वही जो डिमांड्स हैं हमारी उन्हीं डिमांडों के ऊपर चर्चा होगी। पत्र आ चुका है, अधिकारियों के पास पत्र आ गया, उसकी कॉपी निकालने वाली है, निकाल कर दे देंगे। हमें शाम 5 बजे की बैठक की टाइम दिया गया है, उसमें 3 मंत्री आएंगे और 3 मंत्रियों के साथ कुछ मामले जैसे हमारे पंजाब के जो आंदोलन के शहीद हैं उनके बच्चों को नौकरी दिलाने का मामला है, मैं उस मामला वो पंजाब सरकार के साथ भी थोड़ा जुड़ता है, उसके लिए मैं निवेदन करता हूँ उस हमारे मुख्यमंत्री जी को, वो भी इस बैठक में जरूर आएंगे। तो डल्लेवाल है, पंडेर है, दो किसान नेता, उन्होंने कहा कि अब हमें बहुत उम्मीद है इस 5 बजे जो आज मीटिंग होने वाली है जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री शामिल होने वाले हैं। सवाल यह कि क्या आज तीसरे दौर की होने वाली इस मीटिंग में सरकार और किसानों के बीच आम सहमति बन पाएगी, क्योंकि अब तक हुई वार्ताएं बेनतीजा रही हैं। तीसरे दौर की बैठक है, किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद आज चंडीगढ़ में ये वार्ता होनी है। चंडीगढ़ में शाम 5 बजे का वक्त तय है, यानी सरकार और किसान संगठनों के बीच ये बैठक होगी। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, नित्यानंद राय और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल होने वाले हैं। केंद्रीय मंत्रियों के साथ इस बैठक में 20 किसान संगठनों के नेता शामिल होंगे जो खबर आ रही है। पंजाब सरकार का मंत्री भी इस बैठक में शिरकत कर सकता है। तो अब सबकी निगाहें 5 बजे होने वाली इस मीटिंग पर है, इस बैठक पर है। किसान MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून लागू करने की लगातार मांग कर रहे हैं, तो इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और पूछा कि आखिर कांग्रेस की सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की है। राहुल गांधी और कांग्रेस का ये पाखंड है, झूठ है और फरेबी है और दोगलापन है। मैंने 2010 में ये सवाल पूछा था राज्यसभा में और ऐसे मैंने 10 साल सवाल पूछे हैं यही मुद्दे पर कि MSP स्वामीनाथन कमीशन का आप रेम्यूनरेटिव प्राइसेस देंगे कि नहीं उस फॉर्मूला के आधार पे। जब ये काले कानून प्रधानमंत्री लाए राज्यसभा में लोकसभा में, तब ये कानूनी दर्जा का मामला फिर से उभर कर उठा। क्यों समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए और इसका संदर्भ समझिए। MSP को लीगल गारंटी देना तब जरूरी पड़ता है जब निजी बिक्री, निजी खरीद ज़्यादा होता है। वो जो 3 काले कानून लाए गए थे वो सारे हमारे कृषि का निजीकरण हो रहा था।